कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। पिताजी जन्मदिन मुबारक हो पिताजी। जन्मदिन इतने हो चुके पुत्र कि अब तो जन्मदिन से भी थकने लगा हूं। आपको कहां थकान पिताजी, आपके वास्ते तो इस उम्र में भी आराम हराम है। मैं तो 5 बजे उठ के ही आपके कमरे में आ गया था कि मुबारकें दे देनी है, लेकिन आप उससे पहले ही उठ गए। नींद आती ही नहीं है, मुश्किल से आती भी है तो सपना दिखता है, फिर टूट जाती है। कल रात तेरी माँ वीरावाली दिखाई दी, कहती थी कि वीर जी आपने अच्छा ही किया जो घेर घार के सत की शादी करवा दी। मैंने कहा वो तो तेरी परजाई ने करवाई। वो बोली कि इस तरह तो आपकी शादी भी परजाई जी की ही करवाई हुई है। ग्रेट, दादाजी और पिताजी दोनों इकट्ठे मिल गए। हैप्पी बर्थडे दादाजी। थैंक यू बेटे। दादाजी मेरा पिताजी से बहुत झगड़ा हुआ है। कभी सत्यवीर और उसकी कल्पना आपस में झगड़ते ही रहते हैं। दादाजी मैं कह रही थी कि हमने पार्टी में आपसे आज केक जरूर कटवाना है। हवन का प्रसाद मिलेगा, बर्थडे केक नहीं। बर्थडे पार्टी बगैर केक किस तरह होनी है? तुम लोग पार्टी कर ही क्यों रहे हो? सबकी मांग है जी, आज आपका 90वां जन्मदिन है। चलिए तैयार हो जाइए, हवन भी तो करवाना है। ढेर सारे लोग बुलाए दादाजी। केक खाने वाले लोग कि लड्डू खाने वाले लोग? दोनों। आई लो बेटे। थैंक यू आंटी। Wow, what a fantastic birthday cake. Looks yummy to me. अंग्रेजी के अलावा सब जबान भूल गए तुम लोग। हवन में आकर क्यों नहीं बैठे हैं? अपनी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रही तुम्हें? है दादाजी, मैंने रामायण और महाभारत दोनों ही पढ़ी है कॉमिक्स में। अब तो जो पढ़ना है कॉमिक्स में और जो देखना है सो टेलीविजन में, यही है शांति, यही है स्मृति। ग्रेट ग्रैंडपा, हमें एक ऐसी चीज मिली है जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। डाइनिंग रूम की एक दराज में मिली। ढूंढने का क्या इनाम दोगे? ग्रेट ग्रैंडपा ने तो कोई सीरियस सी किताब दे देनी है। हाय दादाजी, कितने हैंडसम लगते हो आप इस तस्वीर में। ये साथ में दादी जी खड़ी है ना? हाँ। दादा जी लुक सो क्यूट। और कल्पना, ये तेरी दादी जी तो इतने स्वीट लगते हैं कि क्या बताऊं। मेरे तो ये दोनों ही दादी जी हैं, है ना पिताजी? हाँ। ग्रेट ग्रैंडपा बताऊं भारती मौसी क्या कहते हैं? कहते हैं आपने लव मैरिज की। इम्पॉसिबल, दादाजी लव मैरिज कर सकने वाले तो बिल्कुल लगते ही नहीं। पता नहीं तेरी दादी जी को कैसे लग गया। ग्रेट ग्रैंडपा सारा किस्सा सुनाओ ना प्लीज। जरूर।
पिताजी को आराम करना। आइए पिताजी। मामा जी मैं नहीं खिंचवाती फोटो, मुझे शर्म आती है। अरे नखरे मत दिखा, चल सीधे से खड़ी हो जा। अरे भाई कैमरे से शर्म कैसी है? कैमरे से शर्म थोड़ी आती है मामा जी, इसमें से जो चिड़िया निकलती है उससे। हाँ आप सब लोग ध्यान से देखो, चिड़िया यहाँ से निकलेगी। धन्यवाद। हाय रिलाजो, हमारी तस्वीर तो यूं मुंह फाड़े ही खिंच गई। हाय। भाई जो जैसा है उसका फोटो वैसा ही आना है। अब हवेली राम को देखो, वो तो बिल्कुल नहीं हंसा। खालक, जब से प्रेस का काम शुरू किया है हाथों में भी कालक लग गई। मैंने तो आपसे कहा था मास्टर जी कि मेरे से शादी करके कालक मत लगाओ अपने मुंह पर। खाना गर्म कर लो। मैं तो अर्जुन सिंह जी के यहां खाया थोड़ा, आप खा लीजिए ना। मेरे को भूख नहीं है। लाजू जी नाराज हो गई मुझे? नाराज तो आप हो मास्टर जी, तभी तो ज्यादा से ज्यादा वक्त घर से बाहर रहने लगी हो। वो प्रेस में ही इतनी देर हो जाती है कि डीएवी की नौकरी तो की नहीं और ऐसे रिसाले में कर ली जहां कागज और स्याही तक के लिए पैसा मुश्किल से जुट पाता है। डीएवी में मैं नौकरी करता तो भाई आत्मानंद के शब्दों में किताबी आर्य समाजी हो जाता। मुझे तो इनकलाबी होना है। प्रेस में हद से हद 7 बजे तक रहते हो, मकान भी तो ढूंढना है। यहां रहने में क्या परेशानी है? आपको पता है कि मामा जी को 10 साल की सजा हो गई है। मैं सोचता हूँ यहाँ दफ्तर बना लेते। दफ्तर ही बना सकते हो आप? आप तो सचमुच खफा हो गई लाजो जी। आपको तक पता चल गया? लाजो जी हुआ क्या है? वही जो रोज होता है, एक तो मामा जी की सजा ने वैसे ही दिल तोड़ दिया, इस पर दिन भर घर पे बैठे रहना और लोगों की सुनना। आज कोई रामप्यारा रामप्यारी आए थे तुम्हारे। अच्छा वो लोग यहां भी पहुंच गए? उन मस्खरों की बातों का बुरा मत मानना। मैं किसी की बात का अच्छा बुरा नहीं मानती सिवाय तुम्हारे। मैंने क्या कह दिया? यही तो रोना है, कुछ नहीं कहती। मैं तो बराबर बातें करता हूँ आपसे। सुबह ही मैंने आपको अपने इस लेख के बारे में बताया था ना। यूं कहो कि अब मैं इसे लिखने बैठूंगा। ठीक है लिखो मास्टर जी। आपको अगर नींद आ रही हो तो मैं ये लैंप लेके दूसरे कमरे में चला जाऊं। घर में भी दूर रहना चाहते हो? मैं समझा नहीं लाजो जी। शायर होकर भी? मैं थोड़ा वैसे ही गैर रोमानी आदमी हूं और। गैर रोमानी का मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे से दूर ही दूर रहो।
और कभी गलती से पास आओ तो पॉलिटिक्स की बात करो। आप ही ने मुझे पॉलिटिशियन बनाया है लाजू जी। पति भी बनाया है मास्टर जी। जैसे आप अपनी सेहत के खातिर दिन में एक बारी हंस लिया करते हो, वैसे क्या मेरी सेहत के खातिर मेरे से एक बार प्रेम से बात नहीं कर सकते? थोड़ा अनाड़ी हूं लाजू जी। तो होशियार बनो मास्टर जी। सबसे पहले तो आप मेरे को लाजू जी कहना छोड़ो। आप भी तो मुझे मास्टर जी ही कहते हैं। वो तो कहना ही हुआ, लगाना ही हुआ जी आप जैसे मास्टर के साथ। एक बारी तो पुकारो ना लाजू। बारी नहीं, एक बार। बस इसी सब में मास्टरी दिखाते रहते हो। कहो ना लाजू। मेरे मुंह से लाजू जी ही निकलता है। जी जी करते रहते हो और पत्नी से जी चुराते हो। पहले की तरह आंखें मीचे रहते हो और जी भर के देखते भी नहीं। लाजू जी आप चाहे जिस तरह भी देखो, मगर कुछ ऐसा कर दो कि मैं ना देख सकूं कि किस तरह देख रहे हो। सॉरी चिल्ड्रन, टीवी थोड़ा बाद में ऑन होगा। हमारा चित्रा और मिस हो जाना है। बोलो मत, दादाजी सो रहे हैं, बाद में। बोलने को बुरा लगता है मगर असलियत यही है भूषण, कि पहले तुमने आप अपनी जिंदगी तबाह की और अब अपने बेटे की कर रहे हो। उसकी जिंदगी तुमने तबाह की लोचन, फिल्मों का भूत तुम्हारी ओर से चढ़ा उसके दिमाग पर। पहले एक्टर बनना चाहता था, अब प्रोड्यूसर। रोशन हो, सतबीर हो, काका हो, मैं किसी से भी फालतू काम वास्ते पैसे देने को नहीं कह सकता हूं। तुमसे कोई कुछ करने को नहीं कह रहा, तुम्हारे भरोसे नहीं ना कटी है मेरी जिंदगी। तो सुभद्रा बहन जी, मैं ये कह रही थी कि आप काके से कह दो कि वो निक्के का टीवी सीरियल स्पॉन्सर कर दे। स्पॉन्सर तो रोशन ने करा देना है, मगर निक्का कोई ढंग का काम करे तब ना। जब घर वाले ही बदनाम करे तो बाहर वालों ने तो कुछ मानना ही नहीं हुआ। सुभद्रा बहन जी, आप इनकी बात पर मत जाओ, निक्के की स्कीम बिल्कुल सॉलिड है। निक्का आप काके से बात कर सकता है, तुम क्यों वकालत करती हो? वो किसी से नहीं करता बात, बिल्कुल तुम्हारे वर्गा है इस मामले में। 2 साल हो गए तुम्हें रिटायर हुए, ना तो गवर्नर एम्बेसडर बन सके और ना किसी प्राइवेट कंपनी में बड़ा हाथ मारा। प्राजी देख तो रहे हैं रोशन की कंपनी का काम। बड़ा भाई छोटे भाई की नौकरी में है, वाह जी वाह। नानी जी चलो घर चले, यहाँ तो ग्रेट ग्रैंडडैड की वजह से टीवी नहीं चल पा रहा है। तब से नहीं उठे। मैंने कहा भूषण, कुछ हो तो नहीं गया उन्हें एट लॉन्ग लास्ट।
शुभ शुभ बोलो परजाई जी। पिताजी को कुछ नहीं होना, इस उम्र में भी उनकी सेहत मेरी सेहत से बेहतर है। सुभद्रा बहन जी, बच्चों की फिक्र में अपनी हेल्थ स्पॉइल कर दी है इन्होंने। निका 37 साल का हो गया लेकिन सेटल नहीं हुआ अभी तक। कुकी का अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा चलता ही रहता है। भारती डाइवोर्स करके बैठी है। आप निक्के का कुछ करवा दो जी। पिंकी, दादाजी जाग गए हैं, चित्रहार देखने आ जाओ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अब दिखता हेलो हेलो, दिस इज 666536। कौन? पिंकी? नहीं रोशन अंकल, मैं कल्पना बोल रही हूँ। आप क्या एयरपोर्ट से बोल रहे हो? मैं तो हांगकांग से ही बोल रहा हूँ पुत्र। आप दादाजी की बर्थडे अटेंड नहीं करोगे? ला, मुझे दे फोन। एक मिनट रोशन, पुत्र तू आ क्यों नहीं रहा है? पिताजी, मौसम खराब होने की वजह से मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। कोई बात नहीं, कल आ जाना। अभी मुश्किल होगा पिताजी, न्यूयॉर्क से फोन आया है, मेरी वहां जरूरत है। इस घर को भी तेरी जरूरत है पुत्र, और तुझे भी इस घर की। बीबी रानी बता रही थी कि घर से बाहर रहता है तो बेहिसाब पीता है। मुझे क्यों देता है, ले उसे ही दे दे सफाई। बात कर रात से बेटे। हेलो, आए क्यों नहीं? मुझे सब पता है, मौसम की खराबी से तुम्हारी कौन सी उड़ान रद्द होती है और कौन सी शुरू होती है। तुम तो ऐसे ही बेकार शक करती रहती हो, अब तो अपना टेक ऑफ ही नहीं होता। इसी करके लोग कहते हैं कि बद अच्छा बदनाम बुरा। मैं यहां अकेला बैठा तुम्हें याद कर रहा हूं और तुम वहां भीड़ भाड़ में मुझे भूली हुई हो राज। अच्छा सुनो, मैं कल न्यूयॉर्क जा रहा हूं और अगले हफ्ते दिल्ली लौटूंगा। अगले हफ्ते आए तो घर में नहीं घुसने दिया जाएगा, कल आओ। ऐसा लगता है तुम्हें घर और घरवाली से नफरत है। ऐसी बात नहीं है डार्लिंग, अर्ज किया है। 100 साल पहले आई वॉज इन लव विथ यू, आज भी है एंड विल बी टुमारो। गाना भी यहीं आकर सुनाना, कंपनी के पैसे मैं इस तरह जाया नहीं करने दूंगी। अच्छा बाबा, चलता हूं, लौट के मिलता हूं। यही बुनियाद। बहुत हो गया टीवी, चलो मेहमान लोग आ गए। आप लोग जो, अभी तो हमें सीरियल भी देखना है। अब परिवार को और पड़ोस को असलियत में नहीं सीरियल में देखेंगे हम लोग। दादाजी, आपको तो नए जमाने से बहुत ही चिढ़ है ना? चिढ़ होनी तो नहीं चाहिए पुत्र, क्योंकि जैसा तेरी दादी जी कहा करती थी, नया जमाना लाने वालों में हम भी हैं। नानी जी कहती है कि ग्रेट ग्रैंडडैड की अपने दाद से बहुत लड़ाइयां होती थी, इसी करके उन्होंने इनका नाम वारिसों में से हटा दिया। दादाजी, आपकी अपने पिताजी से लड़ाई हुई थी,
इम्पॉसिबल। हुई थी लेकिन तमाम झगड़ों के बावजूद हमारे लिए पिता पिता ही होता है। भगवान के बनाए हुए रिश्ते इंसान नहीं मिटा सकता लाला जी। ओ इंसान कह लो हैवान कह लो, इस हुएली ने मिटाए कि नहीं? अरे तूने इसे जन्म दिया मगर इसने तेरे को मां नहीं माना, इसने तो नहीं तोड़वाया तेरा अनशन। हुएली राम, अगर तेरे में जरा भी शर्म लिहाज है तो फौरन चला जाए यहां से। अपना तो करा ही लिया है बेड़ा गर्क, इस तरह आते जाते रहे तो बड़े प्रा लाला जी का भी बेड़ा गर्क करा देना इन्होंने। बीबी रानी, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं वो ठीक कह रही है, वेली हमने लिख के दिया है कि हमसे और हमारे परिवार से तेरा कोई नाता नहीं है, तू हमें झूठा बनाना चाहता है हाकिमों की नगाह में। चलो लाजो जी। चाचा कैसा बेवकूफ, चाची को जी कह के बुलाता है। बेवकूफी तो है और जिद्दी भी। जैसा भी है आपका ही बेटा है। और मार भी तो जाते हैं बेटे। पांच को जन्म दिया था तूने, तीन गुजर गए, एक बड़ी माता में, एक प्लेग में, एक हैजे में। मैं ये मान के बैठा हूँ कि जो दो बच्चे तो उनमें से भी एक गुजर गया इनकलाबी इश्क में। शुभ शुभ बोलो जी, शुभ शुभ बोलो। चाची, जीते रहो पुत्र। मेरे हवेली का ध्यान रखना पुत्र। देख है मगर जीत के मामले में बेवकूफ है ये मेरा हवेली। पहरी पहना बाबू जी, पहरी पहना बाबू जी। तू जाओ वेली, तू मर चुका है मेरे लिए। मैं आपके लिए मर चुका हूंगा बाबू जी, लेकिन आप मेरे लिए कभी नहीं मरेंगे, मर के भी नहीं। पिताजी, अगर आपको नींद आने लग पड़ी हो तो एक बार बाहर चढ़ के मेहमानों से मिल लो, फिर सो जाना। मैं सोया नहीं था पुत्र, कुछ याद कर रहा था। दादाजी, मैंने आपसे कहा है कि अपने मेमोर्स लिख डालिए। अब क्या लिखना? नहीं आप लिखिए, हमें बहुत इंटरेस्ट है कि पास के बारे में जाने। देखता तो हूँ कि तुम्हारी पीढ़ी में ऐसी दिलचस्पी है। जीन्स पहनकर रविशंकर का सितार सुनने जाते हो। तो क्या गलत करते हैं दादाजी, हम भी अपने ढंग से इंडिया को डिस्कवर करना चाहते हैं। भारत को जरूर खोजो पुत्र, लेकिन भारतीय आंखों से, पीछे से जुड़ो, ताकि सबको साथ लेकर सच्चे माने में आगे बढ़ सको। इस जमीन में अपनी बुनियाद रखो और फिर अंतरराष्ट्रीय आसमान को छूने की बात सोचो। आज हम सब यही रहेंगे और सवेरे हम सब सैर पे चलेंगे। आप हमें ढेर सारे किस्से सुनाना और पुराने जमाने की बातें बताना।
और पिताजी की शादी का किस्सा जरूर सुनाना, आप हमेशा टाल जाते हो। पिताजी की बच्ची, अब सब लोग बाहर चलो। किस्सों का कोई अंत है? इस घर में ही 18 सालों में कितना कुछ हुआ है। उसके पहले लाजपत नगर वाले क्वार्टर में पुराना किला कैंप वाली चार राधा किशन और उससे भी पहले। शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया।